फ्रेंड्स, अगर आपने वोटर कार्ड नया अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आपको वोटर कार्ड नहीं मिला है, या फिर आपका वोटर कार्ड पहले बना हुआ था और कहीं खो गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इस चैनल पे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ गूगल में टाइप करेंगे nvsp.in। ठीक है, ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ई पिक डाउनलोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला, यहाँ पे आपने क्लिक करना है वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। आप रजिस्टर नहीं है इस पर तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना एक नया अकाउंट बनाएंगे। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, फिर से आप ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आई हैव ईपिक नंबर, ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ रेफरेंस नंबर। ठीक है, ईपिक नंबर वोटर कार्ड नंबर होता है और रेफरेंस नंबर जैसे आपने नया अप्लाई किया हुआ है, जैसे अप्लाई करते हैं उसके बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो नीचे रेफरेंस वाले पे क्लिक करेंगे। आप अगर आपके पास वोटर कार्ड नंबर है तो वोटर कार्ड पे क्लिक करेंगे ईपिक नंबर पे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको वोटर कार्ड नंबर डाल के डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो मैं ईपिक पे क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से क्लिक कर दिया और यहाँ पर ईपिक नंबर डाल देंगे, वोटर कार्ड नंबर डाल देंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मैंने वोटर कार्ड नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, स्टेट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही उसके बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं जैसे मैंने सर्च किया तो मेरा ये डिटेल आ गया है। ठीक है, वोटर कार्ड नंबर, नेम, फादर नेम, स्टेट, ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ आ जाए, आपका आ जाएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ गया है। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लू वाला जो है यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ऊपर लिख के आ गया ओटीपी सेंड सक्सेसफुल टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी डालना है, अभी तक ओटीपी आया नहीं, जैसे आता है मैं डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं ओटीपी आ गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ फिर डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ओटीपी आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डाल देता हूँ वहाँ पे। कॉपी कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी मैंने डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। अब डाउनलोड ईपिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मेरा वोटर कार्ड है इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें बार कोड भी, सारा आपका एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से PDF डाउनलोड हो जाएगा और आप इसका प्रिंट निकलवा के वोटर कार्ड प्रिंट करा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।